खेलना है इसको 24 घंटा इसके साथ कोई खेल। आज कोई नहीं है साथ में, सोलो राइड कर रहा हूँ। आज इतना लंबा सफर करते करते 200 किलोमीटर पहला ब्रेक यहाँ पे लिया। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू चैनल ब्लॉग। तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। तो यार अभी सुबह अपनी चाय आ चुकी है एंड समय आपका 9:30 हो चुका है। अभी मैं आपको मौसम दिखाता हूँ। मौसम अच्छा ले कैसे रेडी है, देखो खेलने के लिए। ये देखो, ये बाप रे, लगता है इसको चोट लगता है कुछ नहीं। तो यार अभी फिलहाल मौसम देखो ऐसा है, मौसम बहुत ही सही हो गया। अभी सुबह तो बारिश हो रही थी, बहुत भयंकर ली थी। मैंने आज भी शायद कैंसिल होता है जाने का, बट अभी सही है मौसम। एंड पीछे का मौसम तो अभी भी नॉर्मल वैसा ही है जैसा फ्रंट में है। तो टाइम से निकलते हैं एंड फटाफट से जो पैकिंग कराया उसको अब बाइक में बांधना भी है। जो खेलना, इसको खेलना है, देखो ये खेलना है इसको, गंदी लड़की खेलना है। तो ये फटाफट से चाय पीते हैं एंड फिर उसके बाद पैकिंग करते हैं नीचे। ये देखो कितनी मासूम बन रही है अभी। खेलना है इसको 24 घंटा इसके साथ कोई खेल, और खेले करते जहाँ 24 घंटा है। तो यार पैकिंग तो पूरी हो चुकी है, अब लगा लिया इसको चीज़ें। अब चलते हैं यहाँ से नाश्ता करने को, फिर निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल अभी मेरा नाश्ता आ गया, दलिया, अंडा और कलंग। फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं फिर। मैप भी लगा लिया। अब मैं निकल गया यहाँ से हल्द्वानी से, नाश्ता हो चुका है। एंड अभी यहाँ से आपका कितना किलोमीटर है? आपका 264 किलोमीटर दूर है, यानी 6 घंटे का रास्ता है यहाँ से। अभी फ़िलहाल हो रहा है आपका समय 9:45। अभी मौसम सही हो गया है, नहीं तो साला मैंने सोचा कैंसिल हो ही गया प्लान से, क्योंकि यार बारिश आ गई थी सुबह। रात को तो नहीं हुई थी, फिर सुबह बारिश हो गई थी, इस चक्कर से मैंने सोचा यार आज ही कैंसिल हो गया। सही हो गया है नॉर्मल, तेल की भी कोई दिक्कत नहीं है। तेल भी कल ही ऊपर करा लिया तेल, तो अब कोई टेंशन नहीं है। बस मैं तो जा रहा हूँ रामनगर लास्ट से, क्योंकि मुझे वही सही लगता है, गूगल मैप भी वही दिखाता है। एंड आज कोई नहीं है साथ में, सोलो राइड कर रहा हूँ। इससे पहले भी कर चुका हूँ देहरादून तक, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। तो चलते हैं सीधे सोलो राइड करते हैं। मैं तो पहुंच गया हूँ रामनगर एंड यहीं से जाऊँगा मैं कांचीपुर होते हुए धीरे धीरे, क्योंकि गूगल मैप यही दिखाता है नज़दीक से नज़दीक रास्ता आपके लिए, सही से सही रास्ता। तो चलते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे थोड़ी गर्मी होने लगी है। तो यार मैं तो पहुँच गया हूँ कांचीपुर एंड अभी बज रहा आपका समय 11:15। बोले तो मैं कम से कम 1.5 घंटा चल चुका हूँ। मैंने कर लिया आपका 75 किलोमीटर आपको कवर कर लिया है, तो 1.5 घंटे में ठीक ही चल रहा हूँ, मतलब ठीक स्पीड है इसको देख के किस्सा याद आ रहा है मुझे। क्या हुआ था एक्चुअली कि लास्ट टाइम जब मैं बाइक से जा रहा था हल्द्वानी से देहरादून, तो गूगल मैप के द्वारा मैं सीधे खेत में घुस गया दूसरों के, मतलब गूगल मैप ने मतलब शॉर्टकट दिखाने के चक्कर से मुझे ऐसे रास्ते से ले गया दो रास्ता, मतलब दूसरों के खेत रास्ता। एंड अगर उस टाइम कोई देख लेता ना, उस टाइम ऐसा गाली करता हो तो अच्छा हो, किसी ने देखा नहीं है। मैं बाद में मैं रोड में निकल गया हूँ, दिखाया तो सही था लास्ट में, रोड में तो निकाल दिया था उसने, बट जो ऐसा ले गया था रास्ता भाई साहब, मतलब ऐसा कह रहा कि मतलब गूगल मैप से हर समय सही नहीं रहता गूगल मैप। एंड इस रोड से मैं जा रहा हूँ ना, ये नगीनाले रोड से, ये रोड हमेशा खाली रहता है जब भी आओगे, मतलब ऐसा ट्रैफिक का सबसे लगेगा इतनी गाड़ियाँ। एंड इधर ट्रैफिक का बिल्कुल ठीक जगह है। मैं तो इतने बार आ गया हूँ इस रोड से, बट कभी नहीं दिखा मुझे आज तक। तो यार अभी मैं हूँ कांगड़ी में एंड यहाँ पे लिया मैंने पहला रेस्ट। एंड जिसको पता नहीं होगा मैं बता देता हूँ कांगड़ी कहाँ पे है। ये है आपका कम से कम देहरादून से 60 किलोमीटर पहले एंड भाई साहब मैंने मतलब अप्रॉक्स 200 किलोमीटर से ऊपर क्रॉस कर चुका हूँ एंड अभी 2 बज चुका है, तो लगा लो मतलब 3.5 घंटे में मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। एंड अब मुझे यहाँ से करीबन 1 से 1.5 घंटा लगेगा, जैसे 1.5 घंटा लगेगा देहरादून पहुँचने में। यहाँ इतना लंबा सफ़र करते करते 200 किलोमीटर पहला ब्रेक यहाँ पर लिया ना, बम दर्द हो रहे हैं, पैर दर्द हो रहा है, सब दर्द हो रहा है। अभी एंड अभी मौसम कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है, मतलब एज यूजल है, नॉर्मल है, ना धूप है ना बारिश है, ठीक है। मतलब मेरा भी अपना खाना आ गया है, नॉर्मल खाना है। अभी रास्ते में ज़्यादा नॉन वेज, रास्ते में नॉन वेज ढूंढ रहा था, नॉन वेज मिला नहीं, तो ये लंच तो हो गया एंड अभी समय हो गया आपका 2:30 बज चुका है। तो अब मैं पहुँच जाऊँगा इजीली आराम से, देखो 1.5 घंटे में बोले तो 4 बजे तक मैक्सिमम पहुँच जाऊँगा मैं। तो चलो चलते। वैसे तो मैं सोच रहा था पहले ही कि मैं चिड़ियापुर में या गाजियाबाद में रुक जाऊँ लंच करने के लिए, बट वहाँ पे उतनी भूख नहीं लग रही थी मुझे, तो उसी वजह से मैंने वहाँ पे रुका नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम हो ही गया था, तब इस वजह से यहाँ रुक गया था। फाइनली मैं हरिद्वार एंटर कर चुका हूँ एंड हरिद्वार साला ज़्यादा दूर नहीं रहा यार, जहाँ मैं लंच लेके रुका था वहाँ से कम 15 से 20 मिनट के अंदर ही मैं पहुँच गया उधर। तो ऐसा कह सकते हैं कि मतलब वो हरिद्वार के अंदर ही था, मतलब ज़्यादा दूर था ही नहीं यार वो। एंड अब आपको पता ही है यहाँ से कितना समय लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रॉक्स तो यार मैं तो बहुत पहुँचना देहरादून है, यहाँ से बस सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर दूर हूँ। एंड अभी मेरा प्लान है कि मैं अपने कमरे में ना जाऊँ, सीधा लोग आ जाऊँ, क्योंकि अभी मेरी कोई हिम्मत नहीं है कि मैं कमरे में जाके कमरा सही करूँ एंड खाना ना बनाऊँ। इससे ज़्यादा लोग कर सकते हैं, वायरस करेंगे, हमें खाना भी ना खाएँगे, तो सीधे वहीं चलते हैं। तो यार फाइनली मैं देहरादून में पहुँच चुका हूँ एंड दादा लोग यहाँ पहुँच गया हूँ। तो अभी समय आपका ना 4:08 हो रहा है। वैसे तो मैं 4 बजे पहुंच गया था, बट थोड़ा सा पानी में पी के अब फैसा घूमूँगा थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत थकाई लग गई है, बहुत घुटने दर्द हो गया, एक नॉन स्ट्रेचेबल पैंट हो गया ना, तो घुटने में बहुत प्रेशर आ गया, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। एंड आज तो सही हो गया कि बारिश ही नहीं आई, हल्का हल्का बूंदाबांदी मिली रास्ते में, नहीं तो वैसे तो नहीं मिली बारिश कहीं भी, सही है। एंड आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, अभी मेरा ब्लॉग आने का मन भी नहीं है। अब खाना तो मैं रास्ते में खा लिया था, अब सीधे रात का ही खाना होगा। तो बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो कहने सबको बताइए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सब्सक्राइब, बाय।